नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं छोटे लोहिया यानी कि जनेश्वर मिश्रा की जन्मभूमि सुवनथई में। यहां पे आज प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है। इस दौरान घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिगा नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि घनघोर बारिश के बीच भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है डटे हुए हैं और यहाँ अपने नेता को सुनने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वे टस से मस नहीं हो रहे। बारिश इतनी तेज है कि वाटर प्रूफ टेंट भी जो है वो नाकाम साबित हुआ है। लेकिन देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो बैठे हुए हैं और अपने नेता जो आज प्रबुद्ध सम्मेलन का उद्घाटन करने आए हैं उनको सुनने के लिए बेचैन। माँ गंगा और घाघरा के द्वाबा क्षेत्र में बसे बलिया की इस पुण्य भूमि आदरणीय पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जन्मभूमि, जो कि समाज भारतीयों के लिए अपने आप में तीर्थ के समान है। ये सिर्फ उनकी जन्मस्थली नहीं है, बल्कि यहाँ से समाजवाद का विचार भी परिपक्व हुआ है, समाजवाद का विचार भी आगे बढ़ा है। ये इस भूमि की खासियत है। इस मिट्टी को माथे लगा करके, सर माथे चढ़ा करके परम आदरणीय मंच पे उपस्थित जिनके साथ हम लोगों को पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ विधानसभा में पहुंचने का और उनको स्पीकर के रूप में देखने का, जो कि जीवन का एक अमिट मोमेंट था, जो कि शायद जीवन भर याद रहेगा, ऐसे परम आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी जो आज मंच में उपस्थित है, हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके साथ मंच पर चलने का मौका मिल रहा है। परम आदरणीय और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर समाजवादी सरकार में, जिन्होंने हमेशा हम लोगों को पढ़ाने का काम किया, गाइड करने का काम किया, ऐसे आदरणीय श्री मनोज पांडे जी, मजबूत साथी भाई जिनके साथ चल करके इकट्ठा होकर के हम लोगों ने बड़े निर्णय लिए, बड़े काम करने का मन बनाया, भाई संतोष पांडे जी। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक जिनके बुलावे पे हम सब और आप इकट्ठे हुए हैं, परम आदरणीय सनातन पांडे जी, आपके बलिया क्षेत्र से मुझे याद है आज वो जनेश्वर मिश्र पार्क का कार्यक्रम जिसका संचालन और ऑर्गेनाइजेशन किया था ऐसे पूर्व मंत्री परम आदरणीय नारायण राय जी, आदरणीय भाई राजीव जी हमारे साथ मंच पे उपस्थित, सभी सम्मानित साथी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और आज आपके जिले के कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय श्री राजमंगल यादव जी, आदरणीय जयप्रकाश अंचल जी, सुभाष यादव जी, आदरणीय मंजू सिंह जी, आदरणीय संजय उपाध्याय जी, लक्ष्मण गुप्ता जी, मृत्युंजय तिवारी जी, शशिभान चतुर्वेदी जी, कामेश्वर सिंह जी, मनोज जी, सूर्यभान सिंह जी, मंच में उपस्थित सभी साथी, सामने बैठे साथी, इलाहाबाद की भूमि से चल के आए रमेश भाई सामने दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया के साथी, पत्रकार साथी, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, नौजवानों की एक बड़ी बृहस्त टीम, आज हमारे समाजवादी पार्टी के संगठन के सभी साथी, अलग अलग मंचों से साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो आप सबको प्रोफेसर अभिषेक मिश्र का सादर प्रणाम, सादर वंदन, नमन और अभिनंदन करता हूं। आज आपके बीच चल के आने का मौका मिला तो जिस एनएच से चल के आया, जो यहां से आपके पटना तक जाता है, उसका हाल देख करके ऐसा इतना कष्ट हुआ, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के एनएच का कोई भी दूसरा हिस्सा इतना खराब होगा जिस हालत में आपका ये बनने वाली सड़क है जो नेशनल हाईवे यहाँ से पटना जा रहा है। मैंने पूछा कि इसके आसपास के लोग कौन हैं, आखिर विधायक कितने हैं और किस पार्टी के हैं, सांसद कितने हैं किस पार्टी के हैं, तो पता लगा जितने विधायक हैं जितने सांसद हैं सारे ही शायद भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसके बाद भी इसका इतना बुरा हुआ। ये भी बताया साथियों ने, मीडिया के पत्रकार साथी साथ में थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि गडकरी साहब शायद 2016 में इसकी घोषणा कर गए थे, इसके कई पुल की भी घोषणा की थी और तब से एक ईंट के इंतजार में बलिया आज भी तरस रहा है, तड़प रहा है और लोग इस तरह परेशान हो रहे हैं, इस तरह बारिश में उसका जो हाल था उसको देख के कष्ट हुआ कि अगर कभी भगवान न करे किसी को किसी इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी में कोई बीमार हो, पिता को कोई कष्ट हो, हार्ट में किसी को दिक्कत हो, ये कोई प्रेग्नेंट हो और इस सड़क पे अगर तेज चलना पड़ा तो पता नहीं क्या हो। और उसी के कंट्रास्ट में मुझको याद आ रहा था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे सबसे बड़ा पुल बनाने का काम समाजवादियों ने किया था और आज 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी अप्रोच रोड नहीं बना पाई। 5 साल में आपको सड़क नहीं मिली चलने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आए थे उस समय मुख्यमंत्री की नीयत से, मुख्यमंत्री की हैसियत से, तो बलिया को एक बहुत शानदार स्पोर्ट्स कॉलेज मिला, बलिया को एक यूनिवर्सिटी मिली, आपको फ्लड से लड़ने के लिए, मैंने अभी फ्लड की स्थिति देखी, केहरपुर गांव के साथियों की स्थिति देखी, लोगों के बारे में पूछताछ की, बहुत सारे कार्यक्रमों में बहुत सारे गांवों में रुका, मुझे लगता है कम से कम 25-30 गांव रुकते हुए हम लोग यहां पहुंचे और सब जगह हम लोगों ने सवाल पूछा कि भाई अगर कोई काम तुम्हारी जगह हुआ हो आपकी विधानसभा में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपकी सड़क पे, आपके बंदे पे कोई काम हुआ हो तो आप बता दो, लोगों ने जो काम गिनाए वो समाजवादी पार्टी के ही काम गिनाए, इसके अलावा किसी के पास कोई काम गिनाने के लिए नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जितने साथी बैठे हुए हैं, आप बता दो अगर आपने कोई काम देखा हो भारतीय जनता पार्टी का, 5 साल की सरकार लगभग पूरी होने जा रही है और समाजवादियों का अगर आप याद करोगे तो आप क्या ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम समाजवादियों ने किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, ये फंडामेंटल काम है, स्ट्रक्चरल काम है, स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े काम है। 102-108 एम्बुलेंस अगर न होती तो अभी जितने साथी और जो कोरोना का हाल हुआ है, कोरोना याद है सबको, आपके सामने आपके बीच जो हालात थे कोरोना के, हमारे मीडिया के साथियों ने दिखाया किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से हजारों हजारों लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन की कितनी बड़ी क्राइसिस हुई और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कह देता है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। इस पे सवाल उठाने होंगे कि नहीं उठाने चाहिए हमको, ये मुद्दे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए मुद्दे, आप मुझे बताओ जितने साथी यहां बैठे हैं आज महंगाई कहां पहुंच गई, हम और आप हमारे आपके खाने वाला तेल जो 80-90 रुपए का था 5 साल पहले वो आज 200 रुपए का बिक रहा है, डीजल पेट्रोल जो लोग 40 रुपए करने की बात करते थे वो 110 रुपए की बात पे बेच रहे हैं और उनके भारत सरकार के मंत्री खड़े होकर कह देते हैं ये तो देश के प्रति आपकी कुर्बानी। आखिर सवाल का जब विपक्ष में थे, यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो बात करती थी 40 रुपए लीटर के तेल की, आज 110 रुपए तेल पहुंच गया, किसान की सारी आय सारी आमदनी चाहे उसको बिजली खरीदने में जा रही हो, आज बिजली आप सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं, 7-8 आसपास के जितने प्रदेश हैं उनमें सबसे महंगी बिजली अगर खरीद रहा है तो उत्तर प्रदेश का किसान खरीद रहा है। और ये मैं आपको वादा करता हूँ, मेरे साथ मंच पे स्पीकर साहब हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, इनसे निवेदन करता हूँ कि हम अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो बिजली का दाम कम करने पर समाजवादी साथ देंगे, समाज ये सब लोग मिलकर के निवेदन करेंगे। समाजवादियों की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में एक जान नहीं जाएगी, इसकी जिम्मेदारी हम उठाने को तैयार हैं। समाजवादियों की सरकार बनेगी तो ये जो सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की, आपको याद होगा जब लोकसभा लड़ने आए थे तो कितनी नौकरियां दे रहे थे साल में,
किसी ने सही बात कही, बताओ कितनी नौकरियां दे रहे थे उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में? 2 करोड़ 1 साल में। आज 7 साल की सरकार, 8 साल की पूरी हो रही है, 15-16 करोड़ नौकरियां दे दी होती उन्होंने। उत्तर प्रदेश में 70-75 लाख हर साल नौकरियां देने वाले थे, और जितने साथी बैठे, अगर किसी को नौकरी मिली हो, किसी के परिवार में वाले किसी को नौकरी मिल गई हो, कोई नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी हो गई हो, कोई नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी आ गई हो जिसमें जांच न हुई हो, जिसमें कि पेपर ना आउट हुआ हो, तो मुझे बता दो जितने साथी बैठे, आप बताओ नौकरियां मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए नौजवानों को? काम होना चाहिए नहीं, हाथ के लिए रोजगार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सारा व्यापार चौपट कर दिया, व्यापारियों की ऐसी दुर्दशा कर दी इन्होंने, सारा काम खत्म कर दिया, महंगाई सर आसमान चढ़ गई है, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई। और जब किसान हमारा बेचने के लिए जाता है कोई चीज, जब हमारा नौजवान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, जब नौकरियां मानता है, जब हक की लड़ाई लड़ता है, नौकरियों के रेगुलराइजेशन की बात करता है, जब नौकरियों को विस्थापित करके आउटसोर्सिंग से हटा करके सरकार से सीधे कॉन्ट्रैक्टिंग की बात करता है, तो उसको क्या मिलता है भारतीय जनता पार्टी सरकार में? लाठियां मिल रही हैं आज। मैं सोच के खिलाफ हूं, ये आपको वादा करता हूं, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो सबसे बड़ी अगर हमारा मूवमेंट होगा, सबसे बड़ा हमारा फोकस होगा, तो नौकरियों पे होगा, रोजगार पे होगा, व्यापार पे होगा, किसान पे होगा। आज जो हालत, तो हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, जितना पत्रकारों पे उत्तर प्रदेश में इतना अत्याचार हुआ है 4 साल में, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं हुआ, और इससे पहले हिंदुस्तान के कभी किसी इतिहास में नहीं हुआ। आप पुलिस की व्यवस्था याद करो, समाजवादी सरकार ही थी जिसने सबसे बड़ी व्यवस्था डायल 100 का नाम दिया था, और डायल 100 का नाम बदल करके इन्होंने कुछ और कर दिया, सिर्फ नाम बदलना आता है, भारतीय जनता पार्टी वालों को काम करना नहीं आता। इनकी तो सारी राजनीति दो ही चीजों पे चल रही है। अब चुनाव आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं क्या चर्चा करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी वाले आपके यहां, जब आएंगे आपके बीच इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आज लिख के रख लेना, और अगर गलत हो जाए तो कह देना अभिषेक भैया आप गलत बता करके गए थे, भाजपा वाले आए तो ये नहीं कुछ और बात कर रहे थे। भाजपा वाले आएंगे आपके बीच प्रचार करने, वोट मांगने के लिए, तो बात करेंगे हिंदू और मुसलमान की। करते नहीं करते हैं? करते हैं। करते नहीं करते हैं? मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, रमजान की और ईद की बात करते हैं, दिवाली की बात करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि नौकरियों का क्या हुआ, ये नहीं बताएंगे कि पुलिस की व्यवस्था हमने ठीक नहीं की, ये नहीं कहेंगे कि हमने बाढ़ के लिए बचाने का काम नहीं किया, ये नहीं कहेंगे कि हमने महंगाई बढ़ा दी, ये नहीं कहेंगे कि हमने जो हमारे दोस्त हैं, पूरा हिंदुस्तान दो लोगों का नाम जानता है, दो गुजराती लोग चला रहे हैं और दो गुजराती कमा रहे हैं, चार गुजराती मिलकर के हिंदुस्तान चला रहे हैं, पूरा देश जानता है वो दो नाम, जितना है जो कुछ है सब उन्हीं दो को दे दो। और जहां तक ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, आज प्रभु सभा के लिए हम और आप इकट्ठे हुए, हमारा मंच पे आपने देखा सबका सम्मान, सबकी इज्जत, सबका विकास, कोई ऐसा नहीं यहाँ पे हमारा साथी जो किसी को ये कह सके कि किसी एक वर्ग एक उसकी बात करते हैं, लेकिन जहां तक ब्राह्मण की बात करते हैं उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। आज अभी आपने चर्चा की, हमारे संतोष भाई ने इससे पहले चर्चा की, जिन जो ब्राह्मण उनके यहाँ है, आदरणीय रीता बहुड़ा जोशी जी की आवाज आज हमको उठानी पड़ रही है, नंबर ले लीजिए। आज जिसने उनका घर चलाया, जिस जो हिस्ट्री शीटर है, 3-3 जिलों में हिस्ट्री शीट खुली हुई है, ऐसे बबलू सिंह जी को ज्वाइन करा दिया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने। और बात करते हैं कि हम नो टॉलरेंस की, क्राइम के प्रति नो टॉलरेंस की, उनको नो टॉलरेंस सिर्फ हमारा और आपका ही दिखाई पड़ता है, किसी और का क्राइम नहीं दिखाई पड़ता। आप मुझे बताओ आज रीता जी के दिल पे क्या बीत रही होगी, जिस पार्टी के वो स्वयं सांसद है, उस पार्टी ने उन्हीं के घर जलाने वाले को और उसके साथ लाकर के खड़ा कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइनिंग करा दी। कभी सोच के देखना कि दिल का दर्द, आज कभी हमारे आपके घर पे कोई एक पत्थर फेंक जाए और हमारा घर जला के राख कर दे और उसको बगल में हमारी पार्टी सम्मान कर दे, तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। समाजवादी ये काम नहीं करते, समाजवादी अपने लोगों को साथ देके चलना जानते हैं, इज्जत देना जानते हैं। लोग ब्राह्मण की बात करते हैं, लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी सम्मान नहीं करती, अरे माता प्रसाद पांडे जी को 2-2 बार स्पीकर बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया, किसने बनाया?
अभिषेक मिश्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया, माननीय मनोज पांडे जी को बनाया, माननीय संतोष पांडे जी को बनाया, किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। बीसों बीसों विधायक आपने बनाए, ये कहने वाली बातें हैं, इनके छलावे में मत आना। मैं आज सिर्फ आपको इतना मैसेज देने आया हूं, सिर्फ इतनी बात पक्की कहने आया हूं, और पूरा मंच, इतना बड़ा मंच आपके बीच आज बैठा हुआ है। माननीय स्पीकर साहब बैठे हुए, माननीय मनोज पांडे जी बैठे, राजीव राय साहब बैठे हुए, संतोष पांडे जी बैठे हुए, नारद राय साहब बैठे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष राजमंगल जी खड़े हैं, साथ में मजबूत पूरी टीम खड़ी है। सिर्फ इतना मैसेज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देने आया हूं आपको, और जहां तक आवाज जा रही हो इतनी मेरी मदद कर देना कि मेरी आवाज दूर तक पहुंचा देना। अगर आप मेरी गूंज बन जाओगे तो उत्तर प्रदेश हिल जाएगा, इसका वादा मैं आपसे कर रहा हूं। आपकी धरती में इतनी ताकत है, आपकी आवाज में इतनी ताकत है। तुलसी ने लिखा था ना कि क्यों चुप साध रहे बलवाना। आप तो वो बलवान हो जिनको चुप रहने की जरूरत नहीं है, अगर अगर खड़े हो जाओगे तो इतिहास बदल दोगे। इतिहास बदला है हमने, आपने जब जब कभी इतिहास बदला है, जब जब वक्त बदला है, तो हमने और आपने ही बदला है, और अब फिर वक्त आ गया है, हम फिर बदलने जा रहे हैं। जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे, और ये घोषणा करके बदलाव करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटाने जा रहा है। ये जो मेरा साथी सामने बैठे हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग सामने बैठे हैं, जो नौजवान बैठे हैं, जो माताएं और बहनें बैठी हैं, और ये जो मैसेज यहां से लेकर के जाएंगे, इतना आपको निवेदन और विश्वास करने आने आया हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश देने आया हो कि आपका पूरी ताकत होगी, पूरा साथ होगा, पूरा सम्मान होगा, पूरी इज्जत मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी, सरकार बनने पर सम्मान होगा, सरकार बनने पर ताकत मिलेगी आपको। यह विश्वास दिलाने के लिए हम लोगों को इस पूरे मंच को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके बीच भेजा है, हमारी मदद करना, इस बार आपसे मदद मांग रहे हैं। सब मदद को तैयार है, बदलाव को तैयार है, तो हाथ उठा करके अगर आशीर्वाद दे दोगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आपके बीच आना सफल हो गया। और आपकी मिट्टी बहुत पूज्य है मेरे लिए, आपकी मिट्टी सर माथे उठा करके लेके जाऊंगा, एक मुट्ठी मैंने जेब में रख ली है, जहां जाऊंगा वहां अपने घर पे भी ले जाके सजाऊंगा, और घर पे लेकर के इसको माथे लगाऊंगा कि किसी एक दिन वो दिन भी आए जिस तरह आपका बेटा जो यहां पैदा हुआ उसने हिंदुस्तान में इतना बड़ा नाम पैदा कर दिया, कहां से कहां पहुंच गया, आज यहां पहुंचना मुश्किल है, तो आज से 50 साल पहले क्या हालात रहे होंगे, यहां क्या व्यवस्था रही होगी, लेकिन उसे एक बेटे की सोच इतनी बड़ी थी कि उस सोच ने पूरे हिंदुस्तान को बदलने का काम किया, समाजवाद को दिशा और धारा देने का काम किया। तो आज आपकी मिट्टी सर माथे लगा करके ये प्रण लेता हूं कि एक दिन आज मिट्टी का आशीर्वाद रहा तो अभिषेक मिश्रा भी आपका नाम रोशन करने का काम करेगा, आपका नाम बढ़ाने का काम करेगा। आपको गर्व हो, फक्र हो, आपको हम लोगों का ऐसा काम हो, ऐसी वाणी हो, ऐसा विचार हो कि आप कहें कि हाँ ये भी हमारा बच्चा है, बड़े और हमारा भाई है, हमारा साथी है, कोई काका है, किसी का चाचा है, ऐसा काम हम करना चाहते हैं। मैं इतना विश्वास दिलाने आया हूं कि आपको जब कभी जहां जैसी जरूरत पड़ेगी समाजवादी की सरकार आप मदद कर दो। अभिषेक मिश्रा, माननीय मनोज पांडे जी, माननीय माता प्रसाद पांडे जी, संतोष पांडे जी, राजीव जी, ये सब लोग आपके बीच हमेशा मौजूद मिलेंगे। और इतना आपको याद दिलाने आया हूं कि लखनऊ में एक घर आपका है प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे आप आइए, आपका स्वागत है, आपको इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सत्कार भी मिलेगा, और आपका जो मेरी हैसियत है उससे कदम से ज्यादा का प्रयास भी करूंगा। और एक वादा आपसे भी लेना चाहता हूं कि जैसे आपने आज बुलाया वैसे आप बुलाते रहना और हम लोग आते रहेंगे। एक बार पुनः ये सबसे निवेदन है कि एक बार हम सबकी मदद कर दो, समाजवादियों की मदद कर दो खुले दिल से, और मुझे इतना पता है आप मदद कर दोगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 351 का नारा दिया है वो सच हो जाएगा, और सिर्फ सच नहीं होगा उसके आगे बढ़ जाएगी संख्या। अब समाजवादी पार्टी आपके बीच है, आपके साथ है, आपसे मदद मांगने आई है। एक बार पुनः जितने साथी आए, बड़े बुजुर्ग, सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, मंच में मेरे जितने सीनियर्स बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं, चरण वंदन करता हूं, जितने लोगों को आज सम्मानित किया इस मंच से उनको प्रणाम करता हूं, उनसे सीखने की कोशिश करूंगा, और इतना विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी जैसा काम कर सकते हैं, जैसा विचार रखते हैं, जिस जज्बे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा, इतना वादा करने आया हूं। समाजवाद क्या है और आपसे क्या उम्मीद लेके आया हूं, दो लाइनों में अपनी बात खत्म करूंगा कि एक शजर आंगन में ऐसा भी लगाना चाहिए। शजर का मतलब होता है पेड़। एक शजर आंगन में
ऐसा भी लगाना चाहिए जिसका साया दूसरे के घर में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।